बीटी कॉटन ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्रॉप है। जिस बीडी कॉटन ने इंडिया के लाखों फार्मर्स की जिंदगी बदल दी और उनका इनकम हजारों रुपए से बढ़ा दिया, उस बीडी कॉटन को द ग्रेट एमएस स्वामीनाथन और बाकी कई साइंटिस्ट द बिग फेल्यूअर क्यों कहते हैं? और क्या सच में बीडी कॉटन फार्मर्स के साथ होने वाला एक स्कैम है? आज हम इसी बीडी कॉटन की रियलिटी देखेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं तो agriguru.in आपके लिए ले आया है बहुत ही अच्छा IBPS AFO फुल प्रिपरेशन कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में आपको मिलेगा 25 से भी ज्यादा वीकली मॉक टेस्ट, सभी एग्रीकल्चर की नोट्स, ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स, वीडियो एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे। सो प्लीज विजिट agriguru.in टू टेक दिस कोर्स राइट नाउ। दोस्तों, बीटी कॉटन जो कि एक बोलवर्म नाम के पेस्ट को खत्म करने वाला एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, उसकी शुरुआत भारत में माइको और मॉन्सेंटो इन दो कंपनियों ने मिलकर 2002 से की थी। और 2002 के बाद बीटी कॉटन भारत में ऐसा फैला है कि अब भारत में उगने वाला 95% कॉटन बीटी कॉटन है। अभी 2020 में बीटी कॉटन की रियलिटी को समझने के लिए हमें उसकी गुड साइड और बैड साइड दोनों को देखना होगा। दोस्तों, इस बार हम शुरुआत करते हैं बैड साइड ऑफ बीटी कॉटन से। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, बीटी कॉटन को भारत में इसलिए लाया गया था क्योंकि वो अमेरिकन बोलवॉर्म और पिंक बोलवॉर्म जैसे कॉटन के मेजर पेस्ट से कॉटन को बचाता है। और शुरू शुरू में ऐसा हुआ भी। बीटी कॉटन ने अपने पहले 6-7 सालों में अच्छी तरीके से पिंक बोलवॉर्म और अमेरिकन बोलवॉर्म को मारा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बीटी कॉटन ने सभी मेजर पेस्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। और इस दौरान सच में कॉटन फार्मर्स का जो इनकम था वो बढ़ गया और उनका जो इंसेक्टिसाइड पे होने वाला खर्चा था वो कम हो गया। मगर दोस्तों, 2009 आते आते पिंक बोलवॉर्म बीटी रेजिस्टेंट बन गया, मतलब अभी उसे बीटी कॉटन की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब इस पिंक बोलवॉर्म ने फिर से कॉटन क्रॉप में तबाही मचाना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बीटी कॉटन सभी सकिंग पेस्ट जैसे रेड कॉटन बग, एफिड, जेसिड, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। अभी शुरू शुरू में जब किसानों ने इंसेक्टिसाइड का यूज कम कर दिया बीटी कॉटन में, तब ये सकिंग पेस्ट ज्यादा उभर कर आने लगे और इनका आउटब्रेक काफी ज्यादा बढ़ गया। और दोस्तों, आज के टाइम में जिस बीटी कॉटन को हमने सभी पेस्ट को खत्म करने के लिए लाया था, अब सभी पेस्ट मिलकर उस बीटी कॉटन को खत्म करने में लग चुके हैं। दोस्तों, जिस बीटी कॉटन ने शुरुआत के दिनों में फार्मर्स का इंसेक्टिसाइड्स पे होने वाला खर्चा कम कर दिया था, अभी उसी बीटी कॉटन पर इतने पेस्ट अटैक हो रहे हैं जिसकी वजह से अभी इंसेक्टिसाइड का यूज फार्मर्स को बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। दोस्तों, बीटी कॉटन की सीड्स बहुत ही ज्यादा महंगी होती है और इसलिए बीटी कॉटन उगाने वाले सभी फार्मर्स का खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और लाखों छोटे छोटे कॉटन फार्मर्स इस वजह से कर्ज में डूब चुके हैं और कईयों ने इस कारण आत्महत्या भी कर ली है। दोस्तों, बीटी कॉटन जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसे यूज करने के बाद कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक सुपर पेस्ट या फिर सुपर वीड तैयार हो सकती है, जिनके कारण जो बाकी क्रॉप्स है या फिर कह लीजिए हमारी जो देसी वैरायटीज है कॉटन की, उनके लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, जो अच्छे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको भी इनके कारण बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। इस तरह से बीटी कॉटन या फिर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बायोडायवर्सिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकते हैं। दोस्तों, बीटी कॉटन जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए जिस जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है वो पूरी तरीके से नेचुरल नहीं होती है। दोस्तों, इन क्रॉप्स के रिजल्ट की प्रेडिक्टिबिलिटी भी बहुत कम होती है, जिसके कारण हम ये कह नहीं सकते कि लैब के बाहर जब एक्चुअल वर्ल्ड में इन क्रॉप्स को उगाया जाएगा तब उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। और इस तरह से इन क्रॉप्स की वजह से कुछ ऐसे इफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही खराब असर हो सकता है। हालांकि ये बात बहुत ही बड़ी एक स्पेकुलेशन है और अब तक ह्यूमन हेल्थ पर GM क्रॉप्स की वजह से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होता है ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है। दोस्तों, बीटी कॉटन का जो पेटेंट है वो इस वक्त मॉन्सेंटो इस कंपनी के पास है और इसकी वजह से उस कंपनी का बीटी कॉटन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। और इतने ज्यादा कंट्रोल की वजह से फार्मर्स को बीटी कॉटन का कितना फायदा हो रहा है यह सोचने वाली बात है। और दोस्तों, अगर हम इसी तरह हमारे जो फूड क्रॉप्स है उसमें भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ले आए तो कुछ कंपनियों का जो कंट्रोल है हमारे दुनिया के पूरे फूड सप्लाई पर हो सकता है और एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है। दोस्तों, ये सब और ऐसे कई कारणों की वजह से बीटी कॉटन को एक बिग फेल्यूअर कहते हैं। मगर दोस्तों, अब हमें देखना चाहिए कि बीटी कॉटन की गुड साइड क्या है।
दोस्तों बीटी कॉटन की कोई चाहे जितनी बुराई कर ले, मगर ये बात भी सच है कि बीटी कॉटन के आने के बाद भारत का कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अब भारत एक कॉटन इंपोर्टर से कॉटन एक्सपोर्टर बन चुका है। मगर दोस्तों बीटी कॉटन की ये बात भी विवादों से घिरी हुई है। एक स्टडी के हिसाब से कॉटन में 2003 के बाद फर्टिलाइजर का यूज और इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सपोनेंशियली ग्रो की है, और इसलिए कुछ लोग कॉटन प्रोडक्शन बढ़ने का कारण इस फर्टिलाइजर यूज और इरिगेशन फैसिलिटीज में होने वाली ग्रोथ को बताते हैं। मगर दोस्तों मेरे हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है बीटी कॉटन। दोस्तों बीटी कॉटन के कारण जो इंसेक्टिसाइड का यूज था वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था, और वो डिक्रीज 2011 तक हो रहा था। और इसकी वजह से सच में बीटी कॉटन की वजह से फार्मर्स को पहले कुछ सालों में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसलिए उस पीरियड में कई फार्मर्स की जो इनकम थी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी हाई हो गया था। मगर दोस्तों इस बात में भी हम जानते हैं कि बाद में यहाँ पर बीटी में बीटी रेजिस्टेंट पेस्ट तैयार हो गई, और बीटी की जो पेस्टिसाइडल यूटिलिटी थी वो खत्म हो गई। दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से कॉटन की और बाकी क्रॉप्स की भी डिमांड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ऐसे में बीटी कॉटन की वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ा है कॉटन का, उससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों जो लोग बीटी कॉटन जैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के थ्रू इस पॉपुलेशन की डिमांड का अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि जीएम क्रॉप से हम स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन, क्लाइमेट चेंज जैसी भयानक संकटों से लड़ सकते हैं और उससे जीत भी सकते हैं। मगर दोस्तों ये बात भी सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, और ये करने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, और जीएम क्रॉप्स के लिए हमें अलग से लॉज एंड रेगुलेशन तैयार करने की भी जरूरत होगी। दोस्तों दोनों साइड देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बीटी कॉटन पहले 6-7 सालों में तो हीरो था, मगर उसके बाद बीटी रेजिस्टेंट पेस्ट के कारण वो विलन बन गया। और बीटी कॉटन का यही हाल होने वाला है कि उसे तैयार करने वाली और बेचने वाली कंपनियों को पता नहीं था, ऐसा कहना मुश्किल है। और इसी कारण बीटी कॉटन को कुछ लोग स्कैम कहते हैं, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने बीटी कॉटन को एक बहुत बड़ा फेल्यूअर कहा था। तो सोल्यूशन के तौर पर हमारी रिसर्च ये बताती है कि हमारा जो देसी कॉटन है वही बहुत ज्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट है। रिसर्च यहाँ पर यह भी कहती है कि प्योर लाइन कॉटन वराइटीज, हाई डेंसिटी प्लांटिंग और शॉर्ट सीजन प्लांट्स को डेवलप करके हम कॉटन का यील्ड बढ़ा सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज को भी इसी तरीके से हरा भी सकते हैं। मगर दोस्तों ये सब चीजें करने के लिए सरकार को अपना ध्यान जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हटाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग और देसी वराइटीज पर करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूँ, और चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर का नॉलेज हर इंडियन तक पहुँचे। मेरे इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को प्रोफेसर भड़के को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने विचार नीचे कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान।